नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साधना और सास बहू और बेटिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं सुचेता त्रिवेदी जी, जिनको आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, मेरे अंगने में आप कौशल्या के रूप में देख चुके हैं, और बाप बहू बेबी में तो ये बहुत ही फेमस हुई हैं। स्वागत है आपका सुचेता जी, कैसे थैंक यू साधना, थैंक यू सो मच। हैं आप? जस्ट वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड। हमारा जो प्रोमो है शो का बहुत अच्छा रिसीव्ड हुआ है। आई होप लोगों को एपिसोड्स भी उतने ही पसंद आए। और लोगों एक्चुअली प्रोमो ही लोगों को पसंद आ रहा है, तो सोचिए सेल कितना पसंद आएगा। तो आई होप सो, आई होप सो। चलिए पहले तो हम जानना चाहेंगे इस सीरियल इंडिया वाली माँ में आपका जो किरदार है वो माँ का है, कैसा है किरदार, मीन्स वो किरदार का अंदाज कैसा है? बहुत ही फन कैरेक्टर है ये। जैसे हमारी माएं होती है, ये कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ, मैं मेरी माँ को डेडिकेट करती हूँ सबसे पहले तो, बिकॉज मैं पूरा उनको मिमिक करती हूँ हर बात में, हर सिचुएशन में। ये सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ होती तो हाउ वुड शी हैव रिएक्टेड, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होते, उनकी आंखें कितनी नम होती, क्या करती वो, तो पूरा इस बात का ध्यान रखा है मैंने। और ये हम स्पेशल है, ये टाइटल भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इट्स इंडिया वाली माँ। इट इज सबसे पहले तो हमारी कंट्री का नाम है, विच इज़ अ मदरलैंड इटसेल्फ, सो दैट इज Right. ऑल्सो अ वेरी वेरी नाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग दैट वी हैव। एंड अंदाज के बारे में तो ये जो माँ है उसका ये मानना है कि जब बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं और विदेश चले जाते हैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि वो वापस आए, क्योंकि मैंने उसके सपनों को पंख दिए, वो उड़े, वो अपना परिवार, वो अपना खुद का घोंसला बनाए, वो खुश रहे। मैं मेरी परवरिश को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखती कि 5 रुपया डाला और 500 रुपया वापस आएगा। ओके फॉर मी ही इज आई मुझसे जो बन पड़ेगा मैं उसको प्यार दुलार से बड़ा करूंगी, उसको जो बनना है, जो करना है, उस चीज में उसकी मदद करूंगी, और फिर वो उड़े, लेट हिम हैव फन। और मेरा मेरा वापस आकर मेरा मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं जी लूंगी अपना बुढ़ापा, मैं ठीक लेकिन इस प्रोमो में कहीं ना हूँ। कहीं इस प्रो जो प्रोमो आया है इसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया है कि जो माँ भले ही जिसने अपने बेटे को आजाद छोड़ दिया हो, कहा हो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में कि मेरा बेटा कैसा होगा, क्यों फोन नहीं उठा रहा है, ये सब हाँ, चीजें यू चल हैव रही टू है। तो बी एक अटैच विद योर पेरेंट्स, यस, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ राइट एंड ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ माइन, ये तो गोज विदाउट सेइंग होनी साधना, राइट और कोई तो उम्मीद नहीं है मुझे। बट आई हैव नॉट, उस शो में, कहानी में ऐसा है कि मैंने उसको देखा ही नहीं है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। वो 5 6 साल पहले गया होगा ये रोहन, और उसके बाद ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम जाकर आए हैं वहां के, वो आया है। 5 साल से वो रहता नहीं है हमारे साथ, प्लस इतने उसके फोन्स नहीं आते, वो इतना टच में नहीं रहता। तब उसको जाके चिंता होती है कि ये कर क्या रहा है कहाँ, कैसा है उसका घर, उसका जहाँ काम करता है वो सब कैसा है, वहां का उसका माहौल, उसके दोस्त कैसे हैं, क्या है। द मदर इज क्लूलेस, सो उस बात की उसको बेचैनी बहुत होती है ऑफकोर्स। बेसिकली ये जो चिंता जो आप लोगों ने जो किरदार निभाया है, जो विषय चुना है, वो हर एक माँ उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि आजकल सबके बच्चे काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं और एज यूजुअल जैसा आपने कहा कि फोन नहीं आना, फिर माँ का परेशान हो जाना, ये सब इस सीरियल में दिखाया है। एग्जैक्टली, हमारी माँ हमको फोन करके यही पूछती है ना कि तुमने खाना खाया, ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं करती कि हम फोन करके उनको पूछे कि मम्मी आपने खाया, वो तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं उनकी। राइट सो बस यही है, और आगे जाके पता तो चलेगा। हाँ बोलिए, सॉरी हाँ जी, आप बोलते आगे जाके। ना, आगे जाके इस औरत की जर्नी पता चलेगी, क्योंकि ये औरत अगेन इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद से कहीं बाहर नहीं गई है वो अपने हस्बैंड के बगैर, तो बहुत डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पर।
लेकिन वो अपने बच्चे के लिए एक अपनी खुद की एक इंडिविजुअल अकेली जर्नी वो तय करेगी, और फिर इस औरत के साथ क्या क्या होता है, दैट इज व्हाट इंडिया वाली माँ इज ऑल अबाउट, वो तो आप देखोगे. Oh, wow. चलिए yes. प्रोमो शूट करते टाइम पे जैसा कि आपने कहा कि जब भी आप कोई सीन करती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को याद करती हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपने जब आपको जब ये किरदार मिला तो आपने सबसे पहले अपनी माँ को क्या बताया अपने किरदार के बारे में? I just told her that this is सबसे पहले तो ये नायगांव में था ये शूटिंग इसकी, एंड आई मुझे वहां बहुत दूर पड़ता है तो मुझे तब करना नहीं था, तो मैंने अपनी माँ को कहा कि मम्मी दिस इज द रोल एंड आई टू शूट इन नायगांव. सो दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी कि यू आर मैड इफ यू आर सेइंग नो टू दिस रोल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस दैट यू हैव टू कवर. सो इट इज अ वंडरफुल इट इज एवरीवन यू नो लाइक आई टेल यू इन गुजराती व्हाट शी सेज आफ्टर एवरी शो ऑफ माइन ना नो मैटर व्हाट आई हैव डन शी विल टेल कुची आ रोल थी छेने तारू नाम थे जैसे बदले आ रोल थी तू हीरोइन थे. ये चीज सुनकर बड़ा अच्छा भी लगता है जब माँ बोलते है ना मेरी एक्टिंग कर रही है मेरी नकल उतार रही है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ मतलब हम वो सक्सेस हो पा रहे हैं वो करने में, राइट? हाँ कि साकार हो गया सब कुछ, चलो हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट. तो और मतलब कभी आपको अपनी माँ से डांट पड़ी है बहुत भयंकर वाली, मतलब जिसमें आप कांप गई हो? मेरी माँ से मुझे डांट मार सब कुछ पड़ा है. I have been a very naughty child and I have been a very rebellious kid. So yes, और मैं ना हमेशा मैं अभी भी मोटी हूँ तंदुरुस्त हूँ और बचपन में भी थी गोल्ड तो हर बार ना मैं गिर के आती थी. सो एवरी टाइम शी लहू लुहान एवरी और मुझे जो टाके लगे हैं सो यू नो माय मदर वाज परेशान. तो एक बार तो मैं वापस गिर के आई, मेरी मम्मी ने मुझे एक लपड़ मारी वापस गिर के आई. नहीं ये पता ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो हमें चोट लगी है ऊपर से मम्मी फिर मार रही है, मतलब जहाँ प्यार करना चाहिए वो मम्मी मार के पूरी कसर निकाले और फिर बाद में लाड़ दुलार करती है. अरे उनका कसूर नहीं है, वो थक चुकी थी, मैंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे गिरने के. और कभी एक्चुअली ये तो आपने बताया कि आपने बहुत मार खाई है, लेकिन एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपकी माँ ने आपको गले लगाकर मतलब रोई भी हो और इमोशनल हुई हो और प्यार भी बहुत सारा किया हो? ना एवरी डे दैट हैपेंस, मैं क्या बोलूं. एवरी टाइम आफ्टर एक सीन खत्म होता है और मैं मेकअप रूम में जनरली मैं अपना मोबाइल ले नहीं जाती हूँ सेट पर. सो जब मैं वापस आती हूँ तो 5 मिस कॉल्स मम्मी के ही होते हैं. और वही खाना खाया ये किया. हमारी शिफ्ट 9 to 9 की होती है और ये बात उनको सालों से पता है, सालों से. लेकिन हमेशा 6 बजे फोन करके शाम को बोलेगी पैकअप थी गई वो घरे पहुंची गई. I tell her that no, you know, so she is extremely loving. तो कितना miss करती हैं आप अपनी माँ को? कितना miss? I miss her like yeah, I miss her all the time. मुझे रोला मत अभी, मैं नहीं बोलूँगी ये सब. Of course I miss her. ऑब्वियसली यार माँ का नाम लेते के साथ ही आंखों में आंसू आ जाते हैं जो बच्चे माँ से दूर रहते हैं, स्पेशली लड़कियां obviously क्योंकि they have to go to their ससुराल and all. I just got married 2 years back. Okay. मैं मलाड़ में रहती हूँ और मेरी माँ जू में रहती है, लेकिन तभी भी मुझे लगता है और मैं इतने साल मेरी माँ के साथ ही रही हूँ तो भी मुझे इतना मिस होता है. तो आई एम श्योर के जिन लोगों की कम उम्र में शादी हुई होगी वो कितना मिस करते होंगे अपने पेरेंट्स को. इट्स नॉट इजी. सो सॉरी यार, मतलब मैंने आपकी आंखों में आंसू ला दिए. एक्चुअली मैं भी मेरी आंखें भी थोड़ी नम हो गई, मुझे भी अपनी मम्मी की याद आ गई. एक्चुअली सबकी माँ इंडिया वाली माँ होती है. आई नो मैं 15 दिन से शूटिंग कर रही हूँ, मैंने अपनी मम्मी को देखा नहीं है. सो आई मिस हर. यस ओके चलिए अभी हम फटाफट एक गेम खेलेंगे जान पहचान मैं तेरा मेहमान, जहां पर आप हमारे मेहमान हैं और आज हम आपसे जान पहचान करेंगे और दर्शक भी आपके बारे में
थोड़ा ज्यादा जानेंगे जितना बाकी सब जगह पढ़ते लिखते हैं। तो पहली बात तो ये बताइए, आपने अपने स्कूल लाइफ में कितनी स्लैम बुक भरी है अपने दोस्तों की, या आपकी कोई स्लैम बुक थी? स्लैम मेरी क्या प्लान बुक नहीं होती है जो, हेलो, बुक मतलब होमवर्क वाली बुक, नोटबुक, स्लैम नो, स्लैम बुक जहाँ पर बुक, दोस्त स्लैम लोग, बुक्स, राइट, हाँ या जी, या तो या वो कितने दोस्तों की किताबें भरी हैं आपने, अनगिनत अनगिनत। और आपने कितने दोस्तों से भरवाई है अपनी स्लैम बुक? एटलीस्ट 50-60। ओ माय गॉड, या स्लैम चले, बुक वाज अ मेन थिंग दैट टाइम या, एंड इट वाज सच अ वो कूल थिंग, आई एम श्योर इट कूल इवन नाउ। ऑब्वियसली, अब हम भले ही अपनी एज में लग गए, लेकिन जो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे डेफिनेटली कर ही रहे होंगे ये चीज, एक्चुअली क्योंकि तुमने जानना मुझे चाहते आइडिया हैं। दे दिया, मैं भी स्लैम पार्टी करने वाली हूँ, वेर आई एम गोइंग टू अगेन डू दिस होल स्लैम बुक का थिंग अगेन विद ऑल माय फ्रेंड्स। एक्चुअली करना चाहिए यार स्लैम बुक, करना चाहिए, एटलीस्ट पता तो चले कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है और हम हाँ उसके ऐसी बारे में थीम थोड़ा होनी एक्स्ट्रा चाहिए जान साथ जाए। में। हाँ बिल्कुल सही, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं फटाफट, सास बहू और बेटिया के साथ आपकी स्लैम बुक। ओके आपको आपके घर में प्यार के नाम से, जो बोलते हैं ना हर बच्चे का दूसरा नाम होता है घर में, सुची तो सुची बट सुची सुची SUCHI। सुची ओके, आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुई? अशोक एकेडमी वॉज माई स्कूल इन लोखंडवाला, ओके एंड आई एम अ मिठीबाई स्टूडेंट, कंप्लीटली अ मिठीबाई स्टूडेंट। वाओ, ओके, फेवरेट फूड आपका कौन सा है, मतलब कौन सा खाना आप कभी भी कैसे भी और किसी भी वक्त खा सकते हैं? यार मैं तीखा और मीठा एक साथ खाना पसंद करती हूँ, फिर वो चाहे कोई भी कुजीन हो, चाहे वो हाँ गुजराती, ओके हाँ, अच्छा, एंड आई लाइक ठीक है, मतलब टमेटो सॉस, लाइक अ गुजराती आई मैं लाइक टमेटो सॉस, हाँ, ओके ओके अचार, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही ओके, चाहिए में, यस आई लव मतलब इट। ये सच्ची पहचान है एक मतलब गुजरात स्टेट की, राइट, ओके। नेक्स्ट, आपकी ऐसी फेवरेट प्लेस बताइए जहां पर आप एक बार नहीं बार बार जाना पसंद करती हो। गोवा एक जगह है जहाँ कोई भी बार बार जाना पसंद करेगा, बट अपार्ट ओके फ्रॉम गोवा माई हस्बैंड हैज अ ब्यूटिफुल फार्म हाउस इन बाड़ा ओ जो नदी किनारे है, तो वहां तो मैं अभी एक साल में तो वहां मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, मैं वहीं रहूंगी और वहां से शूटिंग पे आऊंगी। गॉड, मतलब इतनी जगह आपको भाग गई है वो। हाँ वो इतना एक खूबसूरत सा छोटा सा गांव है और नदी हाँ किनारे वहां रहते हैं हम लोग और बहुत मजा आता वाओ, आपका फेवरेट एक्टर और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है। ओ चलिए नाम बता दीजिए, एक दो दो See, तीन चार जितने भी। I started this whole journey because of Sridevi is one actor that I have always seen. मैं उनकी पूजा करती हूँ, आई एम एक्सट्रीमली डिवोशनल, आई लव हर वर्क, एंड मैंने उनकी एक्टिंग से प्रभावित होते होकर ही एक्टर बनना चूज किया था बचपन में ही। मुझे हिम्मत वाला से लेकर उनकी सारी फिल्में, और मैं उनका डांस करती थी, उनकी एक्टिंग करती थी। सो श्रीदेवी इज वन एक्टर दैट इज माई ऑल टाइम फेवरेट। हाँ आपने एक्टिंग की बात कही तो एक श्रीदेवी का डायलॉग जो आप नो, अभी हमारे, मुझे अभी अभी कुछ अभी मैं पूरी इंडिया वाली माँ के जोन में हूँ, ओ हाँ, लेकिन वाई एक मिनट, वाई वाई नॉट, वो इंग्लिश इंग्लिश का था ना कि वाई अच्छा नॉट सर, इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो जो था ना वो वाला, मुझे मैं एक बार देख लूंगी फिर मैं तुझे नेक्स्ट टाइम करके दिखाऊंगी, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये करेंगे। ओके, और एक्टर में आपका फेवरेट एक्टर? इरफान भाई, इरफान ओ भाई तभी इज माय चलेगा। फेवरेट, माय फेवरेट फेवरेट फेवरेट। इनफैक्ट मैं शूटिंग से पहले मैंने उनकी द नेम सेक देखी, क्योंकि मुझे वो
नेमसेक में जो उन्होंने पिता का किरदार किया था, और जो लास्ट में वो बीमार पड़ते थे और उन्होंने किसी को बताया नहीं, जो उनका टब्बू के साथ वो फोन कट था, तो मुझे वो सारे उनके चुन तो, और जो अंग्रेजी मीडियम 2 था वो जो ही इज प्लेइंग काकू, मेल काकू इन दैट, जो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए वो भेजते हैं वहाँ कुछ भी करके, वो जो अंग्रेजी मीडियम 2 की जो स्टोरी है वो राइट. सो मैंने वो सारी फिल्में और वो सारे उनके सीन्स रिवाइंड कर करके आई सॉ लॉट ऑफ दैट बिफोर आई स्टार्टेड शूटिंग, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू, मुझे उनकी जो स्टिलनेस है, वो जो कम्फर्ट, वो जो कैमरा के सामने कम्फर्टेबल है, जो उनकी मुझे कम्फर्टेबल महसूस, मुझे वो सीखना था कि वो कैसे स्टिल रहते हैं हर सीन, हर लाइन के बीच में, बोलते समय भी स्टिल है, कोई एक्टिविटी करते समय भी स्टिल है, तो उनकी स्टिलनेस, वो ठहराव मुझे उनका बहुत भाता है. ओके अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट इज योर फेवरेट फिल्म, जिसे आप कितनी बार भी देख लो बोर नहीं हो सकते? ऑल श्रीदेवी फिल्म्स, ऑल श्रीदेवी फिल्म्स, मिस्टर इंडिया, चालबाज, हिम्मत वाला, धर्म अधिकारी, देन ऑल हर साउथ इंडियन मूवीज आल्सो, आई वुड नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस द नेम्स, बट आई लव वॉचिंग ऑल ऑफ देम, एंड आई लव हर जोड़ी विद कमल हसन. I love mom is something that I saw a lot. Okay. and meri shuruaat bhi unke hi production house se hui thi, wo sa din was Boni Kapoor production house, so yes. Oh, right, yeah, and I worked with her in Malini Iyer, so shri ji ke sath maine jab kaam kiya tha to main to matlab mera bhagwan tha, uske sath main acting kar rahi thi, to maine kuch 60-70 retakes diye the. And I was very young, and she was so sweet to me. Every time she saw to it that my face was puffed, and she knew that I am completely starstruck, or main nahi kar pa rahi. She was like, you know, she'd speak very, sunai nahi deti unki awaaz jab wo real life mein baat karti hai. It's okay. Just chill. I'm your colleague. I'm not Shri Devi, Pri Devi. I'm your colleague. Just you did that. You did a very good job. Just maintain that. You know, your eyes are very beautiful. So you will. It will look nice. Look nice. Makeup that a puff karo na. Okay. मतलब in the sense, आपके बचपन से वो एक favorite actresses में रही है. आपने उनको देख के acting में आने का रास्ता चुना, और किस्मत देखिए, मतलब उनसे मिला भी दिया कायनात में. I know, and that was her own production house. I met her husband also. Oh. I met Boni ji over there, and Boni ji to saw me and said, Trivedi, have you worked? Are you the child in Bosa? And I was like, yes sir, you remember my surname. I remember your father. Oh. I was like, yes, he's come to take you with you. Yeah. So, and then jab hum shooting karte the, tab daddy, my father, Boni ji, and everybody used to play cricket outside at RK Studios. So that's how, yeah. ओके, नेक्स्ट सवाल होगा, आपका फेवरेट सॉन्ग? हिंदी या इंग्लिश, कोई सा भी चलेगा. फेवरेट सॉन्ग जो आप गा के भी गुनगुना दे एक लाइन. राइट नाउ तो इट इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ माय शो. चलेगा? दिस पॉइंट ऑफ ऑब्वियस, तो वही गाना. इंडिया वाली माँ. या कुछ भी कर सकती है इंडिया वाली माँ. नहीं, मैं बुरा गाती हूँ यार, क्यों ऑडियंस को ये कर रही है. मैंने श्रीदेवी जी की थोड़ी एक्टिंग तो करके दिखाई तुझे अभी. श्रीदेवी के एक्ट में आपने एक्चुअली अच्छी एक्टिंग की है, जब उन्होंने मतलब वो जो रिएक्शन, अगर वो होते अभी तो देखते. हाँ, मैंने कैरेक्टर की एक्टिंग नहीं की थी, मैंने उनकी एक्टिंग की थी कि वो एक्चुअली कैसे बात करती है. Actually, वो बराबर किया आपने. चलो कोई नहीं, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड्स में मेरे इंडस्ट्री से मैं गिनाती हूँ आपको. चलो, because you will also know them very well. सादिया सिद्दीकी is my very good friend. साक्षी तनवर is a very dear friend. I mean, these are my girl gang. Oh.
साक्षी, देन आतिश कपाड़िया इज अ वेरी डियर फ्रेंड, देवेन भोजानी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, जेडी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, एंड सो सो मेनी अदर पीपल दैट आई वर्क विद. लिस्ट बहुत लंबी है. ओह माय गॉड, बहुत बहुत लंबी है, बहुत लंबी है. ओके, लाइफ का बेस्ट मोमेंट जो आपको अभी भी याद हो. जब मुझे बाबू बेबी के लिए मेरा फर्स्ट अवार्ड मिला था उनकी. वाओ. और सबसे सैड मोमेंट जिसने आपको रुला दिया हो, जब आप मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो. That is different, but what I was very sad in the last some months before my shooting started was death of Rishi ji, death of Irfan bhai, and whatever is happening, and people from our industry who are out of work, who are asking for help, and all those things, they kind of saddened me too much because. लोग हमारी बाहर वाले हमारी इंडस्ट्री के बारे में जो भी बोले, जो भी उनका ओपिनियन हो, एक बात मैं बहुत शान से बोलती हूँ कि टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों की फैमिलीज को आबाद किया है. पेट पेट नहीं भरा है, आबाद किया है. एंड यू नो समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस जब मुझे सुनने में मिलता है तब मुझे बहुत दुख. एक्चुअली ये जो माहौल रहा है पिछले 3-3.5-4 महीने का, वो बहुत ही एक्चुअली सैड मोमेंट रहा है सबकी ही लाइफ में. ओके, जाते जाते आप सास बहू बेटियां के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी सबको कि एंजॉय लाइफ, प्लीज इतना सीरियसली किसी भी चीज को मत लो, क्योंकि हर एक सेकेंड आपका पास्ट, हर एक सेकेंड जो बीतता है वो पास्ट हो गया ना. मतलब ये इंटरव्यू भी पहले शुरू हुआ और अब जो अभी खत्म होने जा रहा है वो सब पास्ट है. इट्स ओवर. डोंट मल ओवर इट. इट्स डन. बी वेरी हैप्पी इन लाइफ. मेक मिस्टेक्स. लव योर मिस्टेक्स, बिकॉज जब तक भूल नहीं करोगे आपको सच्ची राह दिखेगी नहीं. बिल्कुल सही कहा. सो यू विल नॉट नो व्हाट इज राइट अंटिल यू डोंट डू समथिंग रॉन्ग. सो लव योर रॉन्ग एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम करेक्ट योर सेल्फ. राइट. ये इंडिया वाली माँ ने सभी दर्शकों को बहुत अच्छा सुझाव दिया है. एंड प्लीज फॉलो दिस सुझाव एंड फॉलो सास बहू और बेटियां. सब्सक्राइब द चैनल. और थैंक यू सो मच सचिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. बी सेफ, बी सेफ, एवरीबॉडी बी सेफ. आप भी सेफ रहिएगा. थैंक यू. बाय बाय.